तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं लेने जा रहा हूँ आज गेमिंग लैपटॉप। तो मैंने पापा को बहुत दिन से बोल रहा था पापा मुझे चाहिए, बट मेरे को लेना था फ़ोन, बट मैं ले रहा हूँ लैपटॉप, क्योंकि वो ज़रूरी है। फ़ोन तो हम लेते रहेंगे कभी भी, बट लैपटॉप बहुत ज़रूरी है। लेना तो बहुत पहले था बट टाइम नहीं मिल रहा था और बहुत से काम थे ऐसे, इसी उस चक्कर में मैं ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा था। तो आज हम लेने चलते हैं लैपटॉप। तो गाइस अभी मम्मी गई है नीचे, अभी मैं घर में अकेला हूँ, अभी मैं भी जा रहा हूँ नीचे और आपको जाके मिलता हूँ और मैं बताता हूँ कौन सा लैपटॉप क्या ले रहा हूँ। वैसे थंबनेल में तो गया होगा, और तो पूरी वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा और मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? चलो चलते हैं, टाटा। तो अभी हमने बुला लिया लिफ्ट और लिफ्ट से चलते हैं, और बाकी देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ बताता हूँ। तो गाइस कैसा लग रहा है तो बताना, या आउटफिट मैंने आज बहुत दिन बाद पहना। तो चलो पार्किंग में चलते हैं और मैं जा रहा हूँ वेगस मॉल, जो सेक्टर द्वारका सेक्टर 12 में शायद से। तो चलो चलते हैं और बाकी मैं मॉल पे जाके बात करता हूँ। तो गाइस क्वालिटी थोड़ी दिक्कत है, अभी वेगस मॉल में अभी क्रिसमस का थीम लगा हुआ है, पूरा फंक्शन होता है यहाँ पे। वैसे डेल का नया है ये वाला लैपटॉप 5, मुझे डेल पसंद ही नहीं है और लिनोवो भी नहीं पसंद। बेस्ट एसुस का ये है, एचपी का भी बहुत अच्छा है, बट लेना ही एसुस का है। अच्छा, आपको जो मिलेगा राइजन 7 मिलेगा, 8GB रैम, 512 SSD। अच्छा, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। ये 15 इंच है ना, और वो 17 इंच है, और नया निकला है एसर का नाइट्रो 5। ले 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 ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, आप लेना चाहें या ना लेना चाहें ये आपकी चॉइस है। बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस आ गया, अभी बस कैश पेमेंट करना है तो हो गया। मम्मी को चली बोली कि मम्मी बहुत चाहे, आओ पेमेंट करते हैं उसके बाद। अपने आप होएगा वन क्लिक। वो भाई कैसा है गाइस बताना कमेंट करके, मजा आ गया भाई। बड़ा है ना, मेहनत से सही है, बड़ा थोड़ा है। इनके सामने छोटा लग क्या ही है, छोटे छोटे से RGB लाइट भाई। कैसा है भाई? हैं एक नंबर प्रोसेसर राइजन 7। भाई क्या लग रहा है यार, बड़ा तगड़ा लग रहा है ना भाई। फाइनली टेप लग चुका है भाई, सब कुछ भाई। मजा आ गया, मजा तो आ गया है ना। क्या क्या 2000 years later।
तो हे गाइस, तो अब लैपटॉप ओपन करने का बारी आ गया। मैंने ओपन किया था एक बार वहाँ पे, तो आपने वो वाली चीज देखी चुकी तो ना बढ़िया से सही से नहीं हुआ, तो मैंने आपको बोला था घर जाके दिखाऊंगा, और घर आके दो दिन बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे ही थोड़ा बहुत चलाया और ऐसे रख दिया, तो वीडियो तो बनती थी ना, वीडियो बनाते। अब चलो ओपन करते इसको, अब मैं दिखाता हूँ आपको। पहली बात, ये इतना हैवी है ना, जिन्होंने ये लिया है ना उनको पता है ये कितना हैवी है लैपटॉप। और सबसे मुझे एडिटिंग का मेन था, थोड़ा गेमिंग का भी था, क्या बता अभी मैं गेमिंग चैनल भी खोलूँ, बट वो बात की बात है। ये ASUS TUF A70 सबसे बेस्ट लैपटॉप लगा मुझे मेरे काम के लिए, एडिटिंग जो करना है उसके लिए मेरे को लगा, गेमिंग थोड़ा सा, और प्रोसेसर बहुत अच्छा है। ऐसा आता है गाइस, लुक ठीक है, कुछ इसमें क्या क्या आता है मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ से इसको ऐसे करके उठाना पड़ेगा, ठीक है, और इसको निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। मैं पहले भी लिया था इसका, जो अभी मैं इसको बताता हूँ आपको, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। और इसके साथ ये मिल जाएगा आपको कुछ, ये जो बकवास चीज लगती है मुझे ये ही है, तो आराम से भाई बहुत दिन। इसका ये जो चार्जर है ना, ये ईट है भाई, ईट है, 180 वोल्ट का चार्जर है इसका, 180 वोल्ट का फास्ट चार्जर, इसको भी रखते हैं साइड। और ये और एक केबल चार्जर का, ये भी बढ़िया है, मैंने खोल के टाइप कर। तो गाइस इसका ये चार्जर है, ईट है पूरा ईट, ठीक है, ये 180 वाट का चार्जर है इसका, ठीक है। और बाकी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इतना पता है फास्ट चार्जर में, इतना आपको ज्ञान दे सकता हूँ, और बाकी जिसको पढ़ना है तो पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 180 का, कुछ भी लिखा है पता नहीं, फर्स्ट टाइम लिया है, और मेरा फर्स्ट लैपटॉप है ये। एक बार टच करो, एक बार इसको थोड़ा सा प्रेस करो, तो वन टच करो, देखो कितना बढ़िया आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम ऑन करते हैं, इसको मैंने ना ऑन करके मैंने सब कुछ कर लिया, गेम वगैरह सब कुछ थोड़ा बहुत चला लिया, ठीक है। अब थोड़ा पासवर्ड रखते हैं इसके अंदर जो मैंने लगा लिया, जो पहले लगा था क्योंकि मैंने एंटर मार दिया था, तो कुछ ऐसा कुछ है। तो मैंने वॉलपेपर वगैरह चेंज कर दिया गाइस, और ये मैं वीडियो बहुत कम बहुत दिन बाद बना रहा हूँ, ठीक है, एक दो हफ्ते बाद बना रहा हूँ, तो मैंने इसके अंदर सब कुछ कर लिया। और इसकी RGB लाइट मैं ऑन करता हूँ, ये फ़ैन, और ये देखो ये होगी अपनी RGB लाइट, ठीक है। और इसका जो कीपैड है ना माउस का, ये भी बहुत ही स्मूथ है, ठीक है। एक रिफ्रेश कर लेते हैं हम थोड़ा सा, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, मैंने इसके लिए कीबोर्ड माउस और दो तीन चीज़ मंगाई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी आएगी। और कुछ इसका वाईफाई 6 का प्रोसेसर है, राइजन 7 है, ठीक है, और RTX 3050, ठीक है, और 8GB की रैम है, 512 SSD, क्योंकि 1TB SSD मुझे मिला नहीं, और बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था मुझे 10-15 हज़ार, तो मैं उसका मेरे से लूट रहे थे बेसिकली, मैंने लिया नहीं तो मैंने ये बहुत अच्छा काम किया, मेरे को सबने बोला। बाकी अगर आपको इसका गेमिंग प्रोसेसर जानना हो क्या क्या बेस्ट है क्या नहीं, बहुत ही अच्छा है, और बाकी अगर चाहिए होगा तो बताना। तो भाई कैसे रही वीडियो, तो भाई बिल्कुल बताना कमेंट करके, ठीक है। और आजकल मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे क्योंकि मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया था, और अमृतसर वाला व्लॉग मैंने जो बोला था ना कि मैं अपलोड करूँगा, देखते हैं क्या नहीं है, तो मैंने लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया, और घूमने गए थे हम, बट मेरा फ़ोन डेड हो चुका था, मैं फ़ोन लेने गया था, बट मैं लैपटॉप उठा रहा है, फ़ोन तो लेते रहेंगे, लैपटॉप मेन जरूरी था क्योंकि स्टोरेज में इसके अंदर करके और एडिटिंग आपको बढ़िया दे सकता हूँ। तो अब से मैं जो बोलूँ वो करके दिखाऊँगा, क्योंकि मैंने अमृतसर वाले व्लॉग पे मैंने बोला था बट कर नहीं पाया, तो इसलिए मैं ये वाला ब्लॉग डाल रहा हूँ, ठीक है। अब अलग अलग कंटेंट आएंगे, बहुत सारे कंटेंट अलग अलग होंगे, और मैं अब अपडेट रहूँगा, ठीक है। तो इसलिए जो मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर दो, कमेंट करके बताओ, लाइक ना करो बट कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लग रही, और आपको कैसी वीडियो चाहिए, मैं ऐसी वीडियो दूंगा फिर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके कीबोर्ड माउस के ऊपर आएगी, ठीक है, तो लाइक कर देना।